साथियों, एक जमाना था जब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतरने में ही सालों साल लग जाते थे। मैं एक हर महीना प्रगति कार्यक्रम में रिव्यू करता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पहुंचा। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे सामने रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए जो 35-40 साल पहले घोषित हो चुके थे, लेकिन कागज पर लकीर भी नहीं बनाई गई। 40 साल हो गए। अब खैर, ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, मैं करूंगा, आपको भरोसा देता हूं। लेकिन आज भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। देश में ट्रांसपोर्टेशन की तस्वीर बदलने की क्षमता रखने वाले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अनेक वर्षों तक तेज गति से काम नहीं हो पाया था, लेकिन बीते 6-7 सालों के दौरान 1100 किलोमीटर से अधिक रूट को पूरा किया जा चुका है और बाकी के हिस्से पर तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, काम की यही गति आज दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी दिखती है। बीते 7 सालों में हर वर्ष औसतन 2500 किलोमीटर ट्रैक कमीशन किया गया है, जबकि उससे पहले के सालों में ये 1500 किलोमीटर के आसपास ही होता था। पहले की तुलना में इन वर्षों में रेलवे ट्रैक के बिजलीकरण की रफ्तार 5 गुना से अधिक हुई है। मध्य प्रदेश में भी रेलवे के 35 प्रोजेक्ट्स में से लगभग 1125 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स कमीशन हो चुके हैं।